हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल माय नेम इज नीजर्श कृष्ण एंड योर वॉचिंग ब्राइट एकेडेडमी चैनल सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि मेडिकल फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं मेडिकल करने में इंटरेस्टेड है या फिर बेसिकली कह लो कि वैसे स्टूडेंट जो एम करना चाहते हैं ओके okay. तो आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स नीट का एग्जाम अटैम्प्ट कर चुका है बट अब उन्हें लगता है कि नीट के काउंसिलिंग के थ्रू उन्हें कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा कोई भी अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तो उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लें बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि उन्हें पता नहीं रहता कि उनके बजट के अनुसार कौन सा प्राइवेट कॉलेज उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा अगर आपको भी कॉलेजेस चूज़ करने में दिक्कत आ रही है तो आपको सिंपली क्या करना है हमारे टीम को कांटेक्ट करना है कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप खुल के पूछ सकते हो अपने सारे क्वेरीज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे एडमिशन से रिलेटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको सिंपली क्या करना है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा ओपन कीजिए गूगल फॉर्म को अपने बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए लाइक आपका नेम हो गया एड्रेस हो गया टेंथ ट्वेल्थ के परसेंट हो गया एक्सपेक्टेड नीड स्कोर फिर गूगल फॉर्म को सबमिट कर दीजिए गूगल फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको कॉल बैक आएगा हमारे टीम के तरफ से आपको सिंपली क्या बताना है आपको अपना बजट बताना है कि आपको एडमिशन के लिए आपके पास बजट कितना है बजट के अनुसार जो भी आपके लिए सूटेबल कॉलेजेस होंगे मेडिकल कॉलेजेस वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सुटेबल कॉलेजेस का लिस्ट अगर आपको लिस्ट में प्रोवाइड किए गए कॉलेजेस पसंद आते हैं तो आप प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकते हो फिर आपको हमारी टीम के तरफ से आपको एक नियरेस्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा वहाँ पे आप जो भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सारे क्वेरीज वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास नीट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए आपका नीट का कट ऑफ क्लियर करना मैंडेटरी है ओके okay? तो आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं नीट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए नीट सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग